लाइक वी वर डिस्कसिंग दैट एट द टॉप आप क्या देख रहे हैं, वट इज देयर अवेलेबल एट द टॉप. एट द टॉप वी आर हैविंग द कैप्शन नेम. सो दिस इज योर कैप्शन. दिस इज योर कैप्शन. सो देयर इज वन क्वेश्चन. टी आर मीन्स द टेबल रो, एंड रो वाइज इंसर्ट कर सकते हैं कॉलम, तो जगह पर क्या लिखेंगे. सो देयर इज वन क्वेश्चन विच इज वेरी कंफ्यूजिंग टू मी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ. लेट्स गो बैक. द क्वेश्चन इन इटसेल्फ वाज नॉट अंडरस्टूड बाय मी, बट आई जस्ट गेट बैक टू दिस. और हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है. सो दैट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर फर्स्ट लाइन एज यू कैन सी इन हेयर. ये बताती है आपको कि आप एक टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं. देन यू हैव दिस सेकेंड लाइन विच इज नोन एज द कैप्शन. एंड कैप्शन हमें बताता है कि वट विल बी द नेम और टाइटल ऑफ योर टेबल. एंड इट इज जनरली डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ द टेबल. टेबल के बिल्कुल टॉप पर ये डिस्प्ले किया जाएगा. तो एंड ऑल्सो ये जो कैप्शन आपका टैग है और जो टेबल टैग है, इसके बीच में कोई लाइन नहीं होनी चाहिए. इट शुड कम डायरेक्टली आफ्टर द टेबल टैग. तो आपका टेबल कुछ इस तरह से दिखाई देगा. उसके टॉप पर एक नाम आएगा, क्लास मेरिट लिस्ट, राइट. तो ये बन गया आपका एक तरह का टेबल जो है वो तैयार हो गया. अब आपको मालूम है ये जो आपकी फर्स्ट रो है, दिस शुड बी योर हेडर रो. और ये जो बाकी की आपकी सारी की सारी रोज हैं, जैसे मैं मान लेता हूं कि तीन चार आपकी जो रोज होंगी, दीज विल बी कॉल्ड द नॉर्मल डेटा रोज. नाउ द नेक्स्ट लाइन इज टी आर. टी आर हमें क्या बताती है? दैट आई एम रेडी टू क्रिएट अ रो. ओके, बट इन साइड द टी आर आई एम नॉट यूजिंग द टी डी टैग. मैं टी डी टैग जो है वो यूज नहीं कर रहा हूँ. इंस्टेड आई एम यूजिंग द टी एच टैग. नाउ व्हाट डज द एच स्टैंड फॉर? टी एच स्टैंड फॉर कि ये टेबल का हेडर स्पेसिफाई कर रही है. ओके, सो नाउ आई एम स्पेसिफाइंग द वेरी फर्स्ट रो विच इज नोन एज द हेडर. इसके टेबल के कितने कॉलम्स होंगे? दीज आर द नेम ऑफ दोज कॉलम्स. द नेम ऑफ द फर्स्ट कॉलम विल बी स्टूडेंट नेम. द नेम ऑफ द सेकेंड कॉलम विल बी रोल नंबर. एंड द नेम ऑफ द थर्ड कॉलम विल बी परसेंटेज, राइट. तो ये हमारा बन गया. क्या बन गया? हेडर रो. अब इसके बाद हमने क्या बनाना है? इसके बाद हमने आपके नॉर्मल जो है वो डेटा रोज बनाने हैं, ठीक है. सो वेयर दिस डेटा रोज कैन बी एडिट, दे कैन बी एडिट सिमिलरली टू द हेडर रो, लेकिन आप टी एच की जगह टी डी यूज करेंगे, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं. अब यहाँ पर टी एच यूज करने की बजाय मैंने टी डी यूज किया. तो मैं आपको फिर से स्पेसिफाई कर रहा हूं, टी एच इज यूज टू स्पेसिफाई द हेडर रो, टी डी इज यूज टू स्पेसिफाई द डेटा रोज. हाउ मेनी कॉलम्स विल बी देयर इन योर टेबल? जो आप टी एच यानी जितने हेडर्स स्पेसिफाई कर रहे हो, उतने ही आपके टेबल्स के अंदर कॉलम्स होंगे. तो दिस इज योर टेबल. दिस इज हाउ योर टेबल लुक्स लाइक. वन लास्ट टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग दैट दिस इज द कैप्शन, दिस इज योर हेडर रो. आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी बोल्ड में दिखाई दे रही है. एंड दिस इज योर नॉर्मल डेटा जो कि बोल्ड नहीं है, दिस इज अनबोल्ड, ठीक है. तो इससे हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि दैट द वन ऑन द टॉप इज द हेडर रो एंड द वन एट द बॉटम, ऑल रिमेनिंग आर द नॉर्मल डेटा रोज. नेक्स्ट इज कैप्शन अलाइन एट्रीब्यूट. जो आपका कैप्शन टैग होता है, उसके साथ आप अलाइनमेंट भी कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि आपका जो कैप्शन है, जो नेम ऑफ द टेबल है, वो आपके टेबल की कौन सी साइड पर दिखाई दे. फॉर एग्जाम्पल, लेफ्ट में, राइट में, टॉप या बॉटम. तो
यहां पर आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को, डू नॉट वरी अबाउट द सिंटेक्स, दिस सिंटेक्स विल बी अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू, आई विल शेयर दिस सिंटेक्स इन द ग्रुप. द नेम ऑफ द टैग इज कैप्शन, सो दैट मीन्स आई एम गोइंग टू क्रिएट द कैप्शन ऑफ द टेबल. द अलाइनमेंट इज एट द बॉटम, दैट मीन्स द नेम ऑफ दिस टेबल विल बी शोन एट द बॉटम ऑफ द टेबल. एंड वट इज द नेम ऑफ द टेबल, द नेम टेबल इज क्लास मेरिट लिस्ट. As you can see in this particular output, the name of the table is actually shown at the bottom, right here. So this is the name of the table which is shown at the bottom. Okay. So आप इसी तरह से इसको left या right align भी कर सकते हैं. Next is th tag, which is also known as the header tag, table header. लेकिन ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो अब इसको दोबारा हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बिकॉज हमने पिछले एग्जांपल में ही देख लिया था कि किसी भी टेबल का हेडर टैग कैसे बनाया जाता है. जैसे ये एक टेबल है जो बुक डिटेल बनाता है, इसके अंदर हम लोग एक रो ऐड करने वाले हैं और रो में सारी की सारी एंट्रीज जो हैं विद द हेल्प ऑफ टी एच टैग बताई जा रही हैं, जिसका मतलब है दिस दीज आर द एंट्रीज ऑफ अवर हेडर row. How many columns will be there in this table? There will be total of 6 columns, and these are some of the entries. And when we will see the output, like we have already seen, this will be the output. The bold part is showing the header and the other one is showing the normal data entries, right? Similarly, we can also give the background color only to the table header. Yani baakiyon ko background color nahi denge, sirf table header ko hi background color denge. To jab hum entry karte hain th ki help ke saath, to hum log background color specify kar sakte hain. Theek hai, jaise ye aapka ek table hai, ye uski first row hai, ye uska table header hai. और टेबल हेडर का बैकग्राउंड कलर जो है वो हमने यहाँ पर आरजीबी कलर के साथ स्पेसिफाई कर दिया है. एंड व्हेन वी विल रन, दिस इज द वे द आउटपुट विल लुक लाइक. देयर आर डिफरेंट कलर्स दैट यू कैन सी विद द हेडर्स, राइट. सिमिलरली यू कैन गिव द हाइट एट्रीब्यूट, आप परसेंटेज की फॉर्म में भी दे सकते हैं और आप चाहें तो एब्सोल्यूट वैल्यू को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर टेबल जो हमने एंट्री की है हेडर की, द हाइट स्पेसिफाइड इज 50, बट द हाइट फॉर ऑल अदर कॉलम्स हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड. और जब आप इसकी आउटपुट देखते हैं तो आप यहाँ पर बहुत ध्यान से देख सकते हैं दैट द हाइट ऑफ ओनली द टेबल हेडर रो इज ग्रेटर एंड ऑल अदर हाइट ऑफ ऑल अदर रो इज वेरी नॉर्मल एज पर द टेक्स्ट. So how did we achieve this? We achieved with it with the help of a special attribute called the height. Now comes more and more you can say formattings that we can specify. One is called column span. Column span attribute is used to specify the number of columns a header cell should span. कितने columns को span करना है ये हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टी एच टैग. यहां पर आप देख सकते हैं कि दिस इज योर टेबल एंड विद इन दिस टेबल एज यू कैन सी दैट द फर्स्ट एंट्री दैट और द रो दैट आई एम क्रिएटिंग कंसिस्ट ऑफ टोटल ऑफ 1, 2, 3 एंड 4 5 headings, right? तो इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं कि the total rows specified are 1, 2, column specified are 1, 2, 3, 4 and 5. लेकिन how many columns will be created? As you can see in the output, the total number of columns created are 6. The total number of columns created are 6. But जब मैंने HTML में टी एच के साथ एंट्रीज की थी तो सिर्फ 5 की थी, तो ये 6 कैसे बने? 6 इसलिए बने बिकॉज जो आपका सेकंड एंट्री किया गया था
दैट वॉज फॉर ब्रांड एंड प्रोडक्ट, इसका मैंने कॉलम स्पैन इज इक्वल टू 2 कर दिया था, जिसका मतलब ये है दैट दिस वैल्यू विल रिप्रेजेंट 2 कॉलम्स. सो दैट मीन्स 2 कॉलम्स विल हैव द सिंगल हेडिंग, राइट. सो यहां पर आप देख सकते हैं एक ये वाला कॉलम है और एक ये वाला कॉलम है, बट बोथ ऑफ देम आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल हेडिंग. तो लेट अस गो ऑन द टॉप, वापस चलते हैं यहां पर. जब मैंने ये टेबल बनाया तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे. माय वॉइस मे बी जस्ट अ लिटिल लाइट नाउ एज आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट ऑफ टायर्डनेस इन माय थ्रोट. So still we are going to continue. So ये आप देख सकते हैं, this is your first column that is called category. यहाँ पर कोई भी column span कुछ भी use नहीं किया गया है, तो confusion की कोई ज़रूरत नहीं है. Next जब column हमने बनाया with the help of th tag, तो उसका column span is equal to 2 कर दिया गया है. इसका मतलब क्या है, जो आपके अगले दो columns बनेंगे they both columns will come under one heading which is known as brand product. Two columns with the same name. उसके बाद आपका आ जाएगा initial stock और then sales and then left stock. So total number of entries done are 1, 2, 3, 4, and 5 and the number of columns created will be 6 because इसमें से जो एक कॉलम हेडर है दैट इज रिप्रेजेंटिंग 2 कॉलम्स. और आप अगर नीचे देखेंगे तो द नंबर ऑफ एंट्रीज डन आर 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. सो दिस इज हाउ योर टेबल इज इवेंचुअली गोइंग टू लुक लाइक. सो आई थिंक दैट शुड बी इट फॉर द डे. यू कैन ऑल्सो डू योर प्रैक्टिस. आई विल ट्राई एंड शेयर द नोट्स इन दिस ग्रुप विद ऑल ऑफ यू. And you can go through these notes and do your own practice. Now, one thing I want to repeat again, how to actually execute this code. Hum log koi bhi jo code main aapko likh kar de raha hu, how to execute this code for something, someone who does not know. You can simply open a notepad. आप एक notepad खोलिए, आप उसके अंदर अपना जो code है या जो script है उसको लिखिए. Then save the file. Save करते समय जैसे मैंने एक कोई भी पेज लिखा है जैसे प्रोग्राम, उसको .html नाम से सेव करूंगा. मैं उस फाइल को प्रोग्राम .txt से सेव नहीं करूंगा, इनफैक्ट मैं उसको .html से सेव करूंगा. जब आप उसको .html से सेव करेंगे तो जहां पर भी वो सेव होती है, जब आप उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो द फाइल विल और द पेज विल ऑटोमेटिकली ओपन इन अ ब्राउजर. तो वो अपने आप एक ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाएगा. सो दिस इज एज इजी एज इट कैन गेट टू रन अ एचटीएमएल कोड एंड क्रिएट अ फ्रंट एंड वेब ब्राउजर. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज वर्कशॉप सेशन एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काइंडली गो थ्रू दीज नोट्स. And not just go through these notes, but also practice. Thank you.